अस्सलाम वालेकुम, साइबर टेक में खुश आमदीद कहते हैं जी दोस्तों। कि आज की वीडियो है हमारी कैनवा के ऊपर, यानी आप कैनवा से कैसे पैसे कमा सकते हैं, हज़ारों लाखों रुपए आप कमा सकते हैं यहाँ से। तो आज मैं बताऊँगा कि आपने यहाँ पे क्रिएटर के अकाउंट कैसे बनाना है। बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है, और आप यहाँ पे अकाउंट बना के अपना एक स्टोर बना सकते हैं ऑनलाइन, और अपने टेम्पलेट आप सेल कर सकते हैं। यानी इन्हीं के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कैनवा के आप उसे चेंज करके अपने टेम्पलेट बना के क्रिएट करके नए, और उसे आप सेल कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पहले के बने हुए टेम्पलेट से मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपको यहाँ दिख रहे हैं, बिज़नेस के हैं, कुछ फूड के और स्पोर्ट्स वगैरह, ब्यूटी वगैरह। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइनरों ने बनाई हुई है, कुछ कैनवा की अपनी यानी डिज़ाइनिंग है इसमें, और जो यहाँ पर सेल हो रही है जिनकी स्टोर्स है। तो आप दो तरह यहाँ सेल कर सकते हैं, एक जैसे मेंबरशिप के थ्रू होता है डाउनलोडिंग के ऊपर, दूसरे के आप डायरेक्ट टेम्पलेट भी आपका मतलब यहाँ सेल हो जाएगा। तो करना क्या होता है कि जैसे वेबसाइट के बिल्कुल एंड में आना है, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और आप इन चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, पहले समझेंगे कि भाई यहाँ टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं, स्टोर कैसे अपना क्रिएट किया जाता है। तो ये लर्निंग का पोर्शन जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिज़ाइन स्कूल है, मैंने अलग से ये टैब खोल दिया यहाँ पे, ये बॉटम से भी हमने क्लिक करके लिया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे जो टेम्पलेट डिज़ाइनिंग आपको सिखाएंगे, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप यहाँ टेम्पलेट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। ये पहले के बने हुए कुछ ट्यूटोरियल्स है जो कैनवा ने बना के दिए हुए, ये पूरी लर्निंग स्कूल है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक लोगों का भी ये लेटेस्ट कोर्स चल रहा है कि लोगों कैसे बनाने हैं, तो ये इंस्ट्रक्टर है, और इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्टर्स है और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल का देख ले तो यहाँ पे कैनवा योर मोबाइल, ये कोर्सेज है मुख्तलिफ़। आप पूरा मतलब इसको डिस्कवर करके देखें तो टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि किस किस्म की डिज़ाइनिंग आप सीखना चाह रहे हैं, इनकी बाकायदा यहाँ पर वीडियोज़ है। और लर्निंग के हवाले से अगर आप स्टार्ट कोर्स पे जाएंगे तो आपको इस तरह वीडियो सीरीज़ पूरी मिलेगी, और यहाँ से आप वीडियो प्ले करके पहले कैनवा को सीख सकते हैं कि यहाँ डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। ये इसके की फीचर्स वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट है, और ये सारी चीज़ें मतलब हर कोर्स की आपको इस तरह मिलेगी। साइट पर प्ले लिस्ट आ रही है, यहाँ से आप प्ले करके कोई भी लेक्चर आप सुन सकते हैं। जैसे ये क्रिएटिंग है लोगो, तो लोगों की डिज़ाइनिंग का ये कोर्स है कैनवा के ऊपर, तो यहाँ से आप प्ले करके इनके लेक्चर सुन के और देख के उसके बाद आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अगर आपको डिज़ाइनिंग का पता नहीं। और अगर आप पहले से जानते हैं डिज़ाइनिंग, जैसे आपने इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह पे काम किया हुआ है, तो यहाँ आप बग़ैर वीडियो देखे भी आप टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेंगे आराम से। तो बहुत ही आसान है कैनवा एक ऑनलाइन टूल है डिज़ाइनिंग का, जहाँ से आप आके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल के भाई इस तरह सिखाया गया है इसमें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूटोरियल है और टॉपिक से रिलेट, आप पहले इसको स्टडी करें, देखें, उसके बाद आके आप क्रिएटर के अकाउंट बनाएं। क्रिएटर के अकाउंट के लिए आप सबसे नीचे आएंगे वेबसाइट पर, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ दी हुई है, इसमें आप नए प्रोडक्ट की कैटेगरी में, ये वाले प्रोडक्ट कैटेगरी में, और इसमें बिल्कुल जैसे आप आएंगे नीचे लास्ट में, तो इनके प्रोडक्ट्स यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, तो लिखा हुआ है कैनवा क्रिएटर्स, जैसे इसको मैंने अलग टैब में यहाँ खोला हुआ है, आपको दिख रहा है, और नीचे जैसे लिखा हुआ है बिकम अ क्रिएटर। तो इसे आप पढ़ ले पहले कि क्या क्या लिखा हुआ है और किस चीज़ का क्या मतलब है, क्योंकि पहले आपको शुरू में ही समझ में आ जाए, बाद में आपको मसला ना होगा। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से बिकम अ क्रिएटर आपने कर देना है, लेकिन इसके लिए पहले आप साइन अप या साइन इन करेंगे, और साइन अप करने के बाद या जैसे लॉग इन करने के बाद आप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, उसे पब्लिश करेंगे और बिज़नेस अपना ग्रो करेंगे, पैसे आपको मिलेंगे। ये कितने स्टेप है, लेकिन इससे पहले आपने रजिस्टर्ड होना है, आप आईडी लॉग इन कर ले अपनी, अगर आपकी पहले से बनी हुई है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये मुझे लॉग इन का पूछेगा कि भाई आप अपनी आईडी लॉग इन कर ले फेसबुक से, जीमेल वगैरह से, या यहाँ पर आईडी बना दें। तो मैं जीमेल से लॉगिन करता हूँ, वैसे यहाँ से भी आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं साइन अप करने के लिए, और अगर आपने फेसबुक खोला हुआ है तो फेसबुक से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। जैसे मेरा जीमेल खुला हुआ है,
तो मैं जीमेल से यहाँ लॉगिन हो जाता हूँ, जैसे मेरे पास आ गया मैसेज, सिंपल मैंने क्लिक कर दिया तो जीमेल से मैं लॉगिन हो गया। जैसे मैं बिकम अ क्रिएटर पर मैंने क्लिक किया इससे पहले, अब मेरी जो इंफॉर्मेशन है जीमेल की, नाम वाम सब सारी चीज़ें, ये उन्होंने ख़ुद यहाँ से गेन कर ली है, तो मुझे टाइप करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे आगे जाके यूआरएल अपना बताऊँगा। अच्छा, ये जो लिस्ट आ रही है, अगर आप पूरी टीम एज अ टीम काम करना चाह रहे हैं, अगर 5-6 दोस्त और आप मिलके काम करना चाहें, तो उनके ईमेल आप यहाँ डालेंगे तो सबके मतलब एक ग्रुप आईडी बन जाएगी और उनको अलग अलग ईमेल पे जो है अपडेट्स रिसीव होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्वाइट भी करके अपनी एक टीम बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्केप कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये सारी डिटेल आप ये पढ़ लेना, मैं स्केप कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये सिंपल सा फॉर्म आ रहा है, इससे पहले जो इंफॉर्मेशन है, नाम, ईमेल एड्रेस, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब यानी कैनवा ले चुका है ईमेल से। तो यहाँ पे सिंपल हमें यूआरएल बताना है और कंट्री बतानी है अपनी, जिस कंट्री में आप रह रहे तो आप वो कंट्री बता दें और यूआरएल, यूआरएल आप कौन सा, यानी आपकी अगर कोई वेबसाइट हो तो आपने यहाँ पर बतानी है। यानी ये यूज़ होगा एज अ शोरूम यूज़ होगा, जिसे आपके डिज़ाइन यहाँ पे भी रखे जाएंगे, यहाँ से अभी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप क्या कर ले, ब्लॉग स्पॉट पे एक यूआरएल क्रिएट कर ले, जीमेल आईडी से बन जाता है blogspot.com पे आपने एक ब्लॉग बना ले, उसके बाद यहाँ कंट्री दे और अप्लाई कर ले कि अप्लाई का बटन डिसेबल आ रहा है। तो जब तक मैं सही यूआरएल यहाँ नहीं डालूँगा, मैंने अभी सिर्फ सिंपल सा नाम लिखे से, तो मतलब आपने वो यूआरएल डालना है या वेबसाइट के एड्रेस डालना है जो आपकी अपनी वेबसाइट हो। ठीक है, अगर आपने ऐसे कोई डाला उल्टा सीधा किसी और की वेबसाइट का या कोई और, तो मतलब आपके लिए मसला हो जाएगा बाद में। खैर, आप जैसे मेरे पास एक ब्लॉग स्पॉट की मैंने बनाई हुई है, एक यूआरएल मेरे पास है तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा एक ब्लैक ब्लॉग स्पॉट का एक ब्लॉग है, तो यहाँ से मैं ये वाले यूआरएल यहाँ दूंगा जैसे शुकेश, जैसे मैं अपने जो स्टोर है या जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे भी शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद कंट्री लेंगे, यूआरएल देने के बाद ये बटन अलर्ट हो गया, देन अप्लाई करना है, बस सिंपल सा ख़त्म। यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपने वेट करना है, जैसे अब ये आपको लिखा हुआ है नीचे कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। ठीक है, और ये अप्लाई करने के बाद शुक्रिया अदा किया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जैसे सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, 1-2 वीक्स ये लोग बताते हैं। उसके बाद आगे फिर प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कैनवा के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और देन आप स्टार्ट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। या आपने सिंपल टेम्पलेट बनाने हैं और स्टोर पे डालने हैं, लोग वहाँ से बाई करेंगे आपके टेम्पलेट्स, और आपको एक ख़ास हिस्सा यहाँ से एक शेयर आपको मिलेगा कैनवा के अर्निंग में से, यानी सेल आपकी ऑनलाइन होगी और आपको इससे मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।